नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आज विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी शपथ ली। पक्ष और विपक्ष के विधायकों का अभिवादन करते हुए अखिलेश शपथ लेने पहुंचे। सपा विधायक जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे। विधायक और मंत्री ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से गर्मजोशी से मुलाकात की। दरअसल सीएम योगी अखिलेश यादव को देखते ही मुस्कुराए और एक दूसरे से हाथ मिलाया। सीएम योगी ने अखिलेश के कंधे पर भी हाथ रखा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द सामने आने के बाद इस बार नए साल यानी नवरेह पर घाटी में पंडितों की वापसी की आवाज बुलंद होगी। देश भर में कश्मीरी पंडित नवरेह मनाने 2 अप्रैल को घाटी पहुंचेंगे। इसराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने इसी माह के आरंभ में भारत की आधिकारिक यात्रा करने का ऐलान किया था। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा का न्योता दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी पत्रकार को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि यूक्रेन रूस के साथ शांति समझौते के हिस्से के रूप में एक तटस्थ स्थिति को अपनाने पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इन 2 शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि इस पर किसी तीसरे पक्ष को गारंटी देनी होगी और जनमत संग्रह भी रखना होगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। सोमवार को उन्होंने एक और बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर ही डोर टू डोर राशन डिलीवरी का ऐलान किया। हालांकि यह व्यवस्था वैकल्पिक है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गरीब लोगों को अपना राशन लेने की खातिर लाइनों में लगना पड़ता है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी के दाम में भी भारी गिरावट आई है। सोने की कीमत 0.30% गिरकर 51,719 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं चांदी के दाम में 0.58% की गिरावट आई है। इसके बाद चांदी का भाव फिसलकर 68,435 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 6 नए मामलों की आधिकारिक पुष्टि हुई है। कुल 20 में से 16 जिलों में कोई नया मामला नहीं आया। केवल श्रीनगर जिले में 2, जम्मू जिले में 2 और पुलवामा और कुलगाम में 1-1 नया मामला आया है। वहीं 8 जिलों में कोरोना का कोई सक्रिय मरीज भी नहीं है। शंघाई के पुडोंग और उसके आसपास के क्षेत्रों में सोमवार से शुक्रवार तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया। पुडोंग फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। शंघाई में लॉकडाउन के दूसरे चरण में शहर को विभाजित करने वाली हुआंगपू नदी के पश्चिमी क्षेत्र में शुक्रवार के 5 दिन ही लॉकडाउन होगा। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो गई है। बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को इस्लाम के आधार पर चुनौती दी है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।